गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रीति बंसल फ्रॉम माधव शिक्षा निकेतन हाई स्कूल फिफ्थ क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा 12th चैप्टर अवर बापू। बापू जानते हैं किसको कहते थे? महात्मा गांधी जी को। ठीक है, लेट अस स्टार्ट अवर 12th चैप्टर। दोज हु लीव फॉर अदर्स लीव लॉन्ग आफ्टर देयर डेथ। दोज हु लीव फॉर अदर्स, जो दूसरों के लिए जीवन जीते हैं, लीव लॉन्ग आफ्टर देयर डेथ, वो मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। सच पीपल मेक रियल हिस्ट्री, ऐसे लोग एक वास्तविक इतिहास बनाते हैं। दे डू नॉट विन कंट्रीज, वो देशों को नहीं जीतते, दे विन हार्ट्स, बल्कि वो क्या जीतते हैं? दिलों को। वन सच पर्सन वाज महात्मा गांधी, ऐसे ही एक पर्सन कौन थे? महात्मा गांधी। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन नेशन। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन नेशन। उन्हें किस नाम से पुकारा जाता था? राष्ट्रपिता के नाम से। महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? बॉर्न होता है जन्म होना 2 अक्टूबर 1869 को, एट पोरबंदर इन गुजरात, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। करमचंद वॉज द नेम ऑफ हिज फादर, उनके पिता का क्या नाम था? करमचंद। हिज मदर वॉज पुतलीबाई, उनकी माता का क्या नाम था? पुतलीबाई। शी वॉज अ वेरी पायस लेडी, पायस का मतलब होता है पवित्र आत्मा। शी वॉज अ वेरी पायस लेडी, वो एक पवित्र आत्मा थी, मीन्स वो बहुत ही सादा और अच्छे और उच्च विचारों वाली लेडीज थी। हिज फादर वॉज अ दीवान इन अ स्टेट, उनके पिताजी राज्य में दीवान थे। आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन ही वॉज कॉल्ड मुनिया इन हिज चाइल्डहुड, प्यार से सभी उनको क्या कहते थे बचपन में? महात्मा गांधी जी को मुनिया। ही वॉज मैरिड टू कस्तूरबा वैन ही वॉज ओनली 13, जब उनकी उम्र 13 साल की थी तो उनकी उनका विवाह किनके साथ हो गया? कस्तूरबा गांधी जी के साथ। तो कस्तूरबा को क्या कहा जाने लगा? कस्तूरबा गांधी। इन हिज बुक माई अर्ली लाइफ, गांधी जी फ्रेंकली एडमिटेड दैट ही हैड फॉलन इन टू अ बैटन। इन हिज बुक, अपनी उन्होंने एक बुक लिखी थी माई अर्ली लाइफ, गांधी जी फ्रेंकली, निसंदेह मतलब स्पष्ट रूपों में, गांधी जी ने स्पष्ट रूपों में ये एडमिट मतलब स्वीकार किया था दैट ही हैड फॉलन इन टू, कि वो एक बार बुरी संगति में पड़ गए थे। ही टुक टू स्मोकिंग, वो स्मोकिंग करने लगे थे, ईटिंग मीट एंड इवन स्टीलिंग मनी फ्रॉम हिज हाउस, यहाँ तक कि वो मांस मदिरा भी खाने लगे थे और अपने घर से पैसे भी चुराने लगे थे। बट द लीव्स ऑफ श्रवण कुमार एंड हरिश्चंद्र चेंज हिज कम्प्लीटली, लेकिन श्रवण कुमार और हरिश्चंद्र जी के जीवन ने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया। ही बिकम अ ट्रू डिवोटी ऑफ हिज पेरेंट्स, उसके बाद वो अपने माता पिता के भक्त बन गए, नॉन वायलेंट एंड अ ट्रूथफुल पर्सन, ना अब वो अहिंसा के पुजारी हो गए और एक सच्चे इंसान बन गए। आगे देखिए, एट द एज ऑफ 16 ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडी। 16 जब वो 16 ईयर्स के हुए तो वो इंग्लैंड चले गए अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए। हिज मदर हैड हर डाउट्स अबाउट द वेस्टर्न सोसाइटी, बट गांधी जी स्वर दैट ही वुड नेवर टच मीट एंड वाइन। हिज मदर हैड हर डाउट्स, उनकी माता को संदेह था कि अबाउट द वेस्टर्न सोसाइटी, कि वहाँ अंग्रेजी लोगों के साथ उठने बैठने में कहीं कोई फिर से गांधी जी बुरी संगति में ना पड़ जाएं। बट गांधी जी स्वोर, उन्होंने विश्वास दिलाया दैट ही वुड नेवर टच मीट एंड वाइन, कि वो कभी भी मांस मदिरा को और शराब को हाथ तक नहीं लगाएंगे। ही कम्प्लीटेड हिज बार एट लॉ एंड रिटर्न टू इंडिया इन 1891। उन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करी और 1891 में इंडिया वापस आ गए। ही स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस एज अ लॉयर बट ही डिड नॉट सक्सीड। उन्होंने अपनी वकील की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी लेकिन उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। इन 1893 ही वॉज एंगेज एज अ लॉयर बाय अ कंपनी एंड ही वेंट टू साउथ अफ्रीका। 1893 में उनकी मुलाकात एक वकील से हुई और वो साउथ अफ्रीका चले गए। वाइल इन साउथ अफ्रीका ही स्टार्टेड एन एजिटेशन अगेंस्ट इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस टू द ब्लैक पीपल बाय द रूलिंग वाइट। जब वो साउथ अफ्रीका गए, ही स्टार्टेड एन एजिटेशन, उन्होंने एक आंदोलन छेड़ दिया। एजिटेशन आंदोलन किसके खिलाफ? अगेंस्ट इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस, क्योंकि वहाँ जो काले और गोरे का भेदभाव हुआ करता था, उनको बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता था, उनके साथ अन्याय किया जाता था, तो काले और गोरे की लड़ाई में उन्होंने एक आंदोलन छेड़ दिया। दिस मेड हिम पॉपुलर बोथ इन साउथ अफ्रीका एंड इंडिया, उनके इस कार्य ने उन्हें साउथ अफ्रीका और इंडिया दोनों में ही
फेमस कर दिया। ही केम बैक टू इंडिया इन 1914 और वो 1914 में फिर वापस इंडिया आ गए। ऑन हिज रिटर्न टू द कंट्री ही वॉज गिवन अ बिग वेलकम। जब वो अपने देश वापस लौटे तो उनका बहुत बड़ा स्वागत किया गया। ही मेट द अदर फ्रीडम फाइटर लाइक गोपाल कृष्ण गोखले। वहाँ इंडिया आकर वो किस किस से मिले, जो और फ्रीडम फाइटर थे जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक। ही एडवाइज द इंडियन लीडर्स टू स्टार्ट एन एग्रिटेशन अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर इन अ बिग बट नॉन वायलेंट वे। अब उन्होंने क्या एडवाइस की, क्या सलाह दी कि हमें अंग्रेजी लोगों के अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए, लेकिन वो आंदोलन कैसा होगा, अहिंसा का, इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं किया जाएगा। ऑल एग्रीड विद हिम, सभी सहमत हो गए। ही वॉज ज्वाइंड बाय मैनी अदर सच एज जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद एंड सुभाष चंद्र बोस। उनके साथ ही और लोग भी शामिल हो गए जैसे जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम एंड सुभाष चंद्र बोस। अभी आपको यहीं तक रीड करना है, आगे नहीं जाना है, तो आपको भी ये चैप्टर इतना ही रीड करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।